उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों की तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है, चुनाव में जन सरोकार वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में गुंडे माफिया का मुद्दा टॉप पर है। कोई गुंडे माफिया पर एक्शन की बात कह रहा है तो कोई बदमाशों को संरक्षण देने के आरोप लगा रहा है। इसी गुंडे माफिया पर राजनीति के बीच अखिलेश यादव कुछ दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के निधन पर उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है, ये लोकतंत्र खतरे में है। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला। गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए अलग ही नारा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था, बताओ, भूल गए कि याद है? सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। और सब जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय, एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से पहले यूपी में गैंगस्टर की ही सत्ता चलती थी। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर तो कभी जीत की गारंटी के नाम पर सारी सरकारें इन्हीं के आगे नतमस्तक हो जाती थी। पहले सत्ता के संरक्षण में गैंगस्टर अपराध का साम्राज्य खड़ा करते थे, फिर राजनीति में एंट्री लेकर सत्ता की ताकत को आजमाते थे। इन्हें टिकट देने के लिए सियासी पार्टियों की लाल टपकती थी। आलम यह था कि जेल ही इनके अपराध का हेडक्वार्टर बन जाता था। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम की इसी क्रोनोलॉजी को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कबीर की उपद्रव प्रदेश है, और दूसरे दिन एक नया दंगा होता था। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं, जो उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उनका काम किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बागडोर संभाली है, यूपी में न दंगा होता है न ही कर्फ्यू। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि प्रदेश में अब गुंडे बदमाश खुद आकर थानों में सरेंडर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर यूपी में कुछ भी गड़बड़ी की तो उनकी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है और किस तरीके से इसको लेकर सियासत भी बढ़ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। इधर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को लेकर फैसला आ जाएगा। केजरीवाल पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। 3 अप्रैल को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो कोर्ट ने दरअसल दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा था कि टाइमिंग जिस वक्त की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर सवाल उठाए गए थे, संविधान का उल्लंघन है ये कहा गया था, लोकतंत्र
की दुहाई दी गई थी, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि आगामी चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी से छूट दे दी जाए, ऐसा संभव नहीं है। अब देखना यह है कि दोनों की दलीलों में कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्या कोर्ट फैसला सुनाता है, क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है, उनके अगेंस्ट में फैसला आता है, कोर्ट क्या कुछ कहता है, यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि थोड़ी देर में जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाना शुरू कर देगा। और इसी के साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी का भविष्य भी पूरी तरीके से इस पर टिका हुआ है श्वेता, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि के कविता जिन्हें झटका लग रहा है, और दूसरी तरफ संजय सिंह है जिन्हें मौका मिल गया है बाहर आने का, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि संजय सिंह की तरह उन्हें मौका मिलता है या फिर के कविता की तरह झटका लगता है। थोड़ी देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दीपेश हमारे साथ जुड़ गए, दीपेश का रुख कर लेते हैं। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, 22 मार्च को जब कोर्ट में जिराए हो रही थी, ईडी लेकर के गई थी राउस रेवेन्यू कोर्ट में, तो उस दौरान देखा था कि ईडी की तरफ से एक एक करके सारे सबूत रखे जा रहे थे, लेकिन केजरीवाल की तरफ से जो वकील मौजूद थे उनके तरफ से आरोप जो लगाए गए ईडी के द्वारा, उसके एवज में कोई सबूत नहीं दिया जाता है, बल्कि सिर्फ बातों का पुलिंदा होता है। क्या एक बार फिर से वही देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जब हाल ही में न्यायिक हिरासत की मांग ईडी की तरफ से की जा रही थी, उस दौरान भी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया कि ये जो पूरी गिरफ्तारी है ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से की गई है। इस गिरफ्तारी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो साथी हैं अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव में नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये तमाम चीजें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई थी। लेकिन ईडी की तरफ से जब एएसजी राजू पेश हुए तो एएसजी राजू ने तमाम बातों का खंडन करते हुए यह कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और उन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। एएसजी राजू ने कहा कि जो हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा में दिए गए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के पास है, ये एक सबसे बड़ा कारण है इनके गिरफ्तार होने का। इसके साथ साथ तमाम बातों का जिक्र एएसजी राजू की तरफ से किया गया था। अब आज जो सुनवाई, अब आज जो फैसला आना है, उसकी सुनवाई 3 तारीख को पूर्ण हो चुकी है और 3 तारीख को उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर इस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और यह कहा गया कि ये जो पूरी गिरफ्तारी है ये असंवैधानिक है, ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से हुई है। अगर इतना पुराना मामला है और मार्च में जाकर के गिरफ्तारी हो चुकी है, अक्टूबर में इस पूरे मसले को लेकर पहला समन जारी हुआ था, शराब घोटाले को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे, तो इस पूरी गिरफ्तारी को एक तरफ असंवैधानिक करार दिया गया है। साथ ही साथ जो ईडी ने रिमांड की मांग की गई थी उस रिमांड को भी इस याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी। लेकिन जब दूसरी बार न्यायिक हिरासत की मांग ईडी की तरफ से कोर्ट में की गई थी, तब उसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलीलें रखी थी और उन्होंने ये तक कोर्ट में कह दिया था कि ठीक है, आप रिमांड जितने दिन की चाहते हैं रिमांड ले लीजिए, लेकिन इस पूरे मसले में इन पॉइंटों को भी ध्यान रखना होगा। तो फिर जो रिमांड वाला मसला है वो उसी दिन थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया था और यही कारण कि ईडी ने रिमांड की मांग की थी और कोर्ट की तरफ से रिमांड दे दी गई थी। लेकिन अब जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मसला है उसको लेकर क्या लग रहा है, कितनी देर में ये फैसला आएगा, क्योंकि बहुत अहम यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। क्योंकि अगर देखें दोनों पक्षों की ओर से, तो एक बात जिसे स्ट्रांगली रखा गया था कि चुनाव है इसलिए ये उठाया गया कदम है, यानी कि जो गिरफ्तारी है वो निष्पक्ष नहीं है, ये पूरी तरीके से बताने की कोशिश की गई थी, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की गई थी। ये वहां चुके आप कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं और क्या कुछ माना जाए, कितनी देर में फैसला आएगा? देखिए बिल्कुल 2:30 पहले ये वक्त रहा था, लेकिन अब 3:15 हो गया, अब से कुछ देर बाद कोर्ट बैठेगी और फिर अपना फैसला जो है वो जस्टिस स्वर्णकांता पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कितने देर में ये फैसला आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका आपने जिक्र किया कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस पूरी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई थी और इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया गया था, लेकिन ईडी की तरफ से एसजी राजू पेश हुए और उन्होंने इस पूरे करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।